पेशेंट फैक्टर, एक इंजरी फैक्टर, एक ट्रीटमेंट फैक्टर। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नवजोत सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं इस एरिया में, वो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी हड्डियां जुड़ी नहीं होती। कोई भी टूटी हड्डी, चाहे उसका इलाज डॉक्टर ने किया हो, चाहे प्लास्टर से किया हो, चाहे सर्जरी से किया हो, अगर वो हड्डी 3 से 6 महीने में नहीं जुड़ती है तो उसको हम नॉन यूनियन बोलते हैं। हड्डी ना जुड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पेशेंट फैक्टर, एक इंजरी फैक्टर, एक ट्रीटमेंट फैक्टर। जो पेशेंट फैक्टर है, इसमें आता है कि जैसे पेशेंट की एज क्या है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है, पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करता है, ड्रिंक तो नहीं करता है, और या पेशेंट कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, पेशेंट कोई स्टीरॉयड थेरेपी पे तो नहीं है। ऐसे पेशेंट्स में हड्डी जुड़ने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरा आता है इंजरी फैक्टर, पेशेंट को चोट कैसे लगी है, पेशेंट का जो हड्डी टूटी है वो किस ढंग से टूटी हुई है। अगर वो हाई एनर्जी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट है, ऐसी जब हड्डी टूटती है तो उसके हड्डी टूटने के साथ साथ जो उसके आसपास का मांस है उसकी भी बहुत ज़्यादा चोट होती है। ऐसी हड्डी जुड़ने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। हड्डी टूटने के बाद वहाँ पे जख्म है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जख्म होता है तो उसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। हड्डी टूटने के बाद जो उसके अंदर हेमेटोमा बनता है, जो कि हड्डी को जोड़ने में हेल्प करता है, जब वो वहाँ पे जख्म होता है तो वो हेमेटोमा सारा बाहर ड्रेन आउट हो जाता है, जिसमें भी हड्डी जुड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा होता है, कई बार ऐसी हड्डी टूट जाती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा चूरा हो जाता है और दो बोन्स के बीच में काफ़ी गैप आ जाता है, या बोन लॉस हो जाता है, बीच में कुछ हड्डी का जो टुकड़ा है वो निकल के बाहर ही गिर जाता है। ऐसी हड्डियों के जुड़ने के चांसेस कम होते हैं। तीसरा होता है कि हड्डी कौन से लेवल पे है। कई हड्डियाँ ऐसी होती हैं जिसमें जोड़ पड़ना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कूल्हे की हड्डी है, अगर ये ओल्ड एज में टूट जाए तो जोड़ा नहीं जाता है, उसमें कूल्हे को ही बदला जाता है। तीसरा होता है कि ट्रीटमेंट फैक्टर। ट्रीटमेंट का मतलब है कि कोई हड्डी टूटती है तो उसको कैसे उसका इलाज किया जाता है। कई बार उसको प्लास्टर किया जाता है या कई बार उसकी सर्जरी की जाती है। बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि ऑपरेशन करने के बाद या प्लास्टर लगाने के बाद भी हड्डी नहीं जुड़ती है या हड्डी टेढ़ी जुड़ती है। काफ़ी पेशेंट इनकाउंटर करते हैं हम, जहाँ पे पेशेंट की रॉड टूट जाती है या उनकी लेग में या हाथ में उसका टेढ़ापन आ जाता है या उसके कोई जो प्लेट है या स्क्रू पड़े हुए हैं वो टूट जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इसमें ट्रीटमेंट जो होता है वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट की जहाँ चोट लगी है वहाँ पे जख्म होता है, वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है हमारे को, तो उसमें क्या होता है कि हम ऑर्थोपेडिक सर्जन अपना बोन का काम करता है और जो जख्म है या उसमें सॉफ्ट टिश्यू है उसका जो ऑपरेशन है वो प्लास्टिक सर्जरी की टीम करती है। कई बार हड्डी फ्रैक्चर होता है उसमें काफ़ी गैप होता है, तो इसको हम एक डिफरेंट तरीके से एलिजर ऑफ टेक्निक बोलते हैं, जिसमें बोन ट्रांसपोर्ट करके हम ऐसी हड्डी को जोड़ते हैं। तीसरा है कि जैसे कोई रॉड डाली हुई है, उसमें प्लेट डाली हुई है, तो उसके कारण डालने के बावजूद भी हड्डी नहीं जुड़ी है, तो ऐसे केसेस में हमको रीसर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें कि अक्सर हमको कई बार वो रॉड या प्लेट को निकालना पड़ता है, उसका जो फ्रैक्चर है उसको एकदम फ्रेश किया जाता है और उसके जो फ्रैक्चर एंड्स हैं उसको एकदम पास में लाकर उसको दोबारा फिक्स किया जाता है। दोबारा फिक्स करने का मतलब है कि हो सकता है वो रॉड से फिक्स किया जाए या प्लेट से फिक्स किया जाए, उसको हम एक स्टेबल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, ताकि वो हड्डी में जो अनइंस्टेबिलिटी है वो ख़त्म की जा सके। साथ ही साथ उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी कभी करनी पड़ती है, जैसे कि बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है या आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट भी डाल सकते हैं। पेशेंट का खुद का जो बोन है, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ से हम निकाल के वहाँ पे चूरा वगैरह डाला जा सकता है। अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में इस टाइप के ऑपरेशन काफ़ी किए जाते हैं। पिछले 8 साल में मैंने यहाँ पे सैकड़ों ही ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिसमें कि हमको ऑलमोस्ट 100% सक्सेस मिला है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है उनकी हड्डी नहीं जुड़ी है या उनसे नहीं चला जाता है, तो आप जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क करें, ताकि हम आपको मदद कर सकें आपको दोबारा वापस वो नॉर्मल ज़िंदगी में लाने की।